बात आती है तो हम प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान में आते हैं, और अगर सभ्यता संस्कृति की बात आती है तो हम प्रथम स्थान में रहते हैं। सूचना हो या प्रौद्योगिकी, संस्कृति हो या सभ्यता, और अनेक जगहों में जहां पर अमेरिका हो या जापान, उत्तर कोरिया हो या दक्षिण कोरिया, चाइना हो या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हिंदुस्तान का युवा अपने देश की आन बान शान को बचाने के लिए किसी के आगे झुक नहीं सकता। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा इस देश के उन जवानों को जो इस समय सियाचिन में, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना क्यों ना हो, जब हम आधा घंटा विद्यालय में बैठे हैं, इस प्रांगण में बैठे हैं, वो माइनस डिग्री टेम्परेचर में वहां पर बैठे हैं, तो ऐसे देश के जवानों के लिए, चाहे वो किसी का पुत्र हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, ऐसे जवानों को और उन शहीद जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक बार दिल से उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्योंकि अगर आज वो है तो हम है, अगर वो ना होते तो हम ना होते, और उन शहीदों को अगर याद ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, चाहे वो आजादी से पहले हो या आजादी के बाद, चाहे वो तमाम प्रकार के महापुरुष हो, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे वो सिख हो या ईसाई, वो देश की आन बान शान को बचाने के लिए कभी किसी जात पात क्षेत्रवाद को नहीं समझते हैं, वो हिंदुस्तान को अपनी आन बान शान समझते हैं। इसलिए 125 करोड़ जनता को, इसलिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक आगाज के रूप में देवभूमि उत्तराखंड के 125 करोड़ लोगों के बीच में ये युवा संवाद सजग इंडिया के माध्यम से आपके बीच में लाया जा रहा है। क्योंकि आज चिंता का विषय ये भी है कि जहां हिंदुस्तान के युवा अग्रसर है हर दिशा में, वहीं पर हमें आतंकवाद से भी लड़ना है, वहीं पर हमें पलायन की भी चिंता करनी है, वहीं पर हमें हमारी पहचान दिलाने वाले हिमालय की भी रक्षा करनी है, वहीं पर हमें अपने जल और जंगल पहाड़ की संस्कृति के बारे में भी सोचना है। जहां हम अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहां पर हमें गढ़वाली कुमाऊनी जौनपुरी और जौनसारी का भी ज्ञान होना चाहिए। हमें अंग्रेजी और हिंदी बोलते समय उतना ही गर्व होना चाहिए जितनी अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज ये भावनाएं देहरादून के इस जिले से इसलिए निकलनी चाहिए क्योंकि यहां पर लगभग 10 से 15 लाख जो लोग निवास करते हैं, वो पूरे 125 करोड़ के लिए एक संदेश के रूप में जाने जा सकते हैं। और जो पड़ोसी मुल्क नेपाल और चाइना हमारे बीच में है, क्योंकि उत्तराखंड के सीमांत जो जिले हैं वो चाइना और नेपाल से जुड़े हैं, तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि कहीं कुछ ऐसा तो हलचल नहीं जो हिंदुस्तान के युवाओं के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं की दशा और दिशा को भी परिवर्तित करे। हमें पाकिस्तान की मंशा को भी जानना पड़ेगा। हमें अगर स्वदेशी अपनाना है तो चाइना जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद करना चाहता है, हमको उसके इकोनॉमी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो चाइना के प्रोडक्टों को किस तरह से बहिष्कार करना है, अगर आतंकवाद को नष्ट करना है तो किस तरह से नशे के खिलाफ एक आतंक के हथियार को नष्ट करने के लिए आप लोगों को अग्रसर होना है। हमें इस बात पर भी आना है कि आज पाकिस्तान क्यों बार बार हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है, आज पाकिस्तान क्यों कश्मीर को अपना बनाने की बात करता है, आज पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र क्यों हिंदुस्तान के लाल किले पे अपना पाकिस्तानी तिरंगा फहराने की बात करते हैं। जिनकी औकात नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, हिंदुस्तान से टक्कर लेने की बात करते हैं। जिनकी औकात नहीं पेट भर खाने की, वो परमाणु हथियार बनाने की बात करते हैं। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? बताइए। हाँ बेटा, बोलो बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? कृतिका। क्या, क्यों रो रहे हो बेटा? आप क्या नाम बताओ बेटा? मेरे पापा भी आ रहे हैं, तो जब आपने जो लास्ट टाइम बोला तो मुझे अच्छा लगा बहुत। और पापा जी आर्मी में हैं आपके? ओके। आप बहुत दूर है, मतलब गुवाहाटी से। गुवाहाटी में है। कितने भैया बहन हो आप? तीन हैं, दो बहन और एक भाई। आप बड़े हो, सबसे पहले बड़े हो, और मम्मी घर में यही है, गाँव में है, यही है? पापा जी से बातचीत होती रहती है, पापा कहते हैं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना बेटा? छोटे भाई बहनों को भी
बढ़िया से पढ़ाना है, क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब नशा नहीं करना चाहिए और अपने देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब सब ये मतलब आदमी में नहीं जाना चाहता लोग इंजीनियर या मतलब बड़ी पोस्ट में ही मतलब लोग मतलब वो बोल रहे हैं महत्व दे रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आदमी की तरफ भी जाए और अपना सहयोग दे अपने भारत को, देश की रक्षा के लिए। जोरदार तालियां हमारी छोटी बहन के लिए। थैंक यू, थैंक यू।